हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इट्स बिन टू लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। एंड द रीज़न इज़ मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन थी और भी बड़े सारे बहाने हैं। तो आज मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ, आप देख के सकते हो। अब तो आप भी काफ़ी लोग आ गए हो यूनिवर्सिटी, है ना। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, वो कम हो जाएगा तो फिर मैं एंड में बताऊँगी क्या काम था, ठीक है। क्योंकि मुझे डाउट है वो होगा या नहीं होगा, वो काम करते हैं। और मैं अभी देख रही हूँ ना, काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए। पहले से बिल्कुल सन्नाटा पड़ा होता था और अब पूरे से स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो अब अच्छा सा लग रहा है। लग रहा है कि हाँ नहीं, यूनिवर्सिटी है। और इतने नहीं आए हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं आए हैं कि मतलब सारे आ गए हों टाइप। कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, मैं कहूँगी 50%। अभी यहाँ पर तो कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, अभी सारे खाने वाने गए हुए हैं। लेकिन आई थिंक 30-40% बच्चे आए हैं। आई थिंक ज़्यादा जो आएंगे ना, वो आएंगे आफ्टर दिवाली, क्योंकि उसके बाद फिर उनको पता है ना कि हाँ छुट्टियाँ नहीं पढ़नी है और एक्चुअल में होगा सब काम। तो नीचे चलते हैं, उनको मैं नीचे दिखाती हूँ आपको कि कितने की स्टूडेंट्स आए हैं अभी। वैसे ये हैं थोड़े से बच्चे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे हैं। काफ़ी थोड़े बहुत बच्चे हैं। सो गाइस, टीचर्स को अभी लंच कर रहे हैं, तो मैं सोचा अभी बीच में क्या ही जाऊँगा, तो बस मुझे ये साइन वगैरह करवाने हैं। एंड बस आई थिंक मेरा लास्ट टाइम होगा एज अ स्टूडेंट, बाद एक वाइवा करने आऊँगी, मे बी फाइनल अभी होगा। तो अभी वीडियो के बाद में बताऊँगी, एंड में बताऊँगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये क्लास खाली है तो यहाँ पे आके बैठ गई, बिकॉज मैं स्वेटर पहन के आई हूँ और थोड़ी थोड़ी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, बट गर्मी तो लगी नहीं है। ये है काफ़ी ज़्यादा तो है नहीं, मेन तो ये है ना कि अभी दोपहर हो गया तो इसलिए इस वजह से ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं। गर्ल्स की इंक्रीमेंट हो गई है तो आप लगा ही सकते हो हिसाब की, हाँ नहीं कुछ तो चेंज हुआ है। बाई द वे, इफ़ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने क्या रखा है, ऑनलाइन रखा है ऑफलाइन रखा है, तो मैंने ऑनलाइन रखा है। और ये आई थिंक मेरा लास्ट डे होगा एज अ स्टूडेंट आज यहाँ पे, क्योंकि वैसे मैं काम हो गया मेरा बाई द वे, तो हाँ ये लास्ट ही डे है मेरा, बिकॉज मैं अब ट्रेनिंग के लिए जाऊँगी जो हमारा लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें। और अभी इस सेमेस्टर के तो नवंबर में एग्ज़ाम हो ही जाने हैं, नवंबर दिसंबर में हमारे फाइनल्स हो जाएंगे। हमारे जो बाकी के सेमेस्टर हैं उनसे एक महीना आगे चले हुए हम, ठीक है। मतलब हमारे 2 MST हो गए हैं। तो बस अब मैं शायद आऊँगी यहाँ पे, एक वाइवा देने के लिए आऊँगी फाइनल में बस। तो ये था मेरा, मैंने ऑनलाइन रखा, बट मेरे रीजंस हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऑनलाइन रखो या ऑफलाइन रखो, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज ऑब्वियसली मैंने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं टीचर्स ना, प्रैक्टिकल्स भी करवा रहे हैं और कई शायद एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं। बाकी अगर आप हो ऐसे हो जिसने ऑफलाइन कर रहा है क्लासेस को, तो आपने भी फीडबैक देना कि हाँ क्यों ज्वाइन करना चाहिए, है ना, क्या डिफरेंस है, तो ताकि बाकी बच्चे जो नहीं आए उनको पता चल जाए कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर से तो ऑफलाइन हो जाएगा, मेरे को अभी ये बता रहे थे लैब अटेंडेंट। तो लेट्स सी, वो मैं कुछ वर्डिक देना नहीं चाहूँगी, जस्ट माई लास्ट वीडियो, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे शॉर्ट और नट सेल में रख दूँ कि हाँ चलो बस फाइनल बाय फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एक शायद क्या पता फाइनल के बाद फेयरवेल वगैरह में हुई अगर मैं, तो ऐसे होती नहीं है यार, बट हो गई तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो या काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जा रहे हैं नॉर्मल सा है, पर अब फाइनलाइज तो वाइवा के बाद ही जाऊंगी। अभी वो भी देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता, है ना। और किसी कुछ क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत तो पूछ लेना, काफ़ी टाइम से मैंने आंसर्स नहीं करे आप लोगों के, बिकॉज मैं थोड़ा ऐसे अनवेल सी थी और मेरा थोड़ा सा ना ऐसे डिटैच होने का ही था मन, इसलिए। बट अब मैं कर दूँगी रिप्लाइज, ओके। तो किसी कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो पूछ लेना।